कंग्रेचुलेट नहीं करेंगे टैलेंट हंट के विनर को, आपके रेडियो स्टेशन के फेमस साजे कबीर को? हाँ वो क्या आपने सॉरी बोला? सुनाई नहीं दिया मुझे एक्चुअली, जरा थ्रो लाइए आवाज में, बुलंद आवाज में कहिए सॉरी। एक्चुअली मैं सोच ही रहा था that I should, मुझे फिर से फायर कर दे जॉब से। नॉट एट ऑल, तुम तो टैलेंट हंट के विनर हो, तुम्हें फायर कैसे कर सकता हूँ? इन फैक्ट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। इसका मतलब है कि आप गे हैं? आपकी अंग्रेजी तो हमसे भी ज्यादा खराब है, आपको गे का मतलब नहीं पता, हैप्पी भी होता है। कबीर वो क्या बोलते हैं? हैप्पी एंड गे। मतलब आप हैप्पी हैं? कुछ हैप्पी हो? सीरियसली? आपको देख के लगता तो नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है कि फैब फाइव जीत गया और कबीर जीत गया। नहीं मैं सच में हैप्पी। बस हैप्पी है? नहीं, हैप्पी भी हूँ और गे भी। ये हुई ना बात। अभी मैं जा सकता हूँ? वाह, तुमने मैनेजर की तो ले ली। उसने मेरे दोस्त की बैंड बजाई थी, हमने उसके बजाते। हाँ भाई, गल्फ ऑयल प्लीज मुझे भी दे दो, इफ यू डोंट माइंड। आई माइंड बट इट्स ओके, गल्फ ऑयल इज द बेस्ट ऑयल फॉर द बाइक्स। इससे इंजन भी ठीक रहता है, इंस्टेंट पिकअप, और तो यही यूज किया वरना तेरी बाइक खराब हो जाएगी। यो नंदू, ऑल इंडिया टैलेंट हंट में सेकंड प्राइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नंदू तुमको याद है स्पेस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए तुमको कितना मनाना पड़ा था हम सबको? हाँ और आज देखो, अरे मैं अम्मा को फोन करता हूँ वो कितनी खुश होगी। चाचा वैसे चाची मतलब घर पे तो कहीं नहीं दिख रहे। यो चाची तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके फ्रेंड का फोन आया, वो पास वाला मॉल है ना वहाँ पे शाहरुख खान किसी शॉप का इनॉग्रेशन करने आया। एंड यू नो द कनेक्शन बिटवीन शाहरुख एंड चाची, हाँ वो भाग गई। ओ ध्रुव बेटा, कम कम ध्रुव कम। चाचा, do you know इस टाइम टैलेंट हम कौन जीता है? Fab Five। ओहो, congratulations ध्रुव। Thank you uncle। लेकिन ध्रुव, तुमको पता है, Fab Five का जीतना कोई नई बात नहीं। It was expected, but you know what was not expected? मूर्तिस का जीतना। नंदू second आई। नंदू, I am so proud of you। You're right। She was good today। Congratulations नंदू। What is this? Shimmy Dent's job. Thank you, Dhruv. तुम लोगों बात करो, मैं फटाफट पायसम बना के आता हूँ। अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए। अरे कैसे जरूरत नहीं, कुछ मीठा तो होना चाहिए ना। एंड डरो मत, आज चाची नहीं है तो पायसम मीठा ही बनेगा। Dhruv, तुम यहाँ सब ठीक है ना? Everything is okay. नंदरी, मैं यहाँ पे तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया। पार्किंग लॉट में जो भी हुआ, आई वॉज सो रूड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी और मैं बात को खींचे ही जा रहा था, इसलिए सोचा कि मैं अलग से आके सॉरी बोलूँ। वैसे भी पार्टी में मेरे को सबको सॉरी बोलना है। You have any idea कि माने कितना खुश होगा? He'll be so happy, बहुत खुश होगा। Like seriously? No, बेटा वो सेवैया कहाँ रखी है? मेरे को मिल नहीं रही। ध्रुव, मैं अभी आती हूँ। I'll just be back. Nandini, can I use your washroom? Yeah, sure. It's right here. Okay. It's okay, मुझे भी कोई डिस्कशन नहीं करना है। It's, I
I told you this before, Mukti. I just want to be by myself. I just want to go to Manali. Please, yeah. Please don't be upset. इतना गुस्सा क्यों हो रही है? I said I'm sorry. It just slipped out of my mouth. So you mean it was instinctive? No, Alia. It was not instinctive. See, Alia, I'm just happy. कि end में at least we performed together. और हर्षद के पास हमारा song कैसे गया? It's a different thing. You have to understand me and trust me like before. All the heartbreaks that you've had as a girlfriend and a friend, I've had the same from Bhai as a sister. I know. I mean, I don't know ye sab kya ho raha hai Alia, but I'm sorry. You need to understand me something. Really, really sorry, Alia. And I promise you, next time se kabhi aisa nahi. ये मेरी वजह से हुआ। So what do you mean by तुम्हारे वजह से? मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, ऋषभ और मैं जब आमने सामने आते हैं तो बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं। रिसेंटली मैंने अपना ट्रीटमेंट एक न्यूरो स्पेशलिस्ट से करवाया, अकॉर्डिंग टू हिम मेरी कंडीशन उस मीटियर शावर के बाद और डेवलप हुई है। इस इंसिडेंट को 10 साल हो गए और ये मेरी लाइफ को अभी भी अफेक्ट कर रहा है। कौन सा एक्सीडेंट? दिस मीटियर शावर? तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज क्लियरली बोलो ना। टेल मी। हर्षद मानिक और मैं, द बैंड ऑफ ब्रदर्स, लाइफ के बेस्ट फ्रेंड्स। उस रात हम मानिक के फार्म हाउस में थे, मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। जब वो मीटियर शावर हुआ उसके बाद हम सबकी लाइफ बदल गई। मानिक और हर्षद एक दूसरे के दुश्मन बन गए और मुझे ये अटैक्स आने लगे। मीटियर शॉक, इट चेंज्ड माय लाइफ टू। हम लोग यूएसए में थे एंड माय पेरेंट्स दे वर साइंटिस्ट एंड वो हमें मीटियर शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए लेके जा रहे थे। एंड फिर उसके बाद जो ऋषभ की हालत हुई है वो कभी बोल ही नहीं पाया उसके बाद। तो डॉक्टर ने क्या बोला? ऋषभ को अटैक्स क्यों आते हैं? ये सर, इट्स द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स दैट आर इन हिज ब्रेन फ्लूइड। दीस एलिमेंट्स ना वो कभी भी एक्टिव हो जाते हैं या फिर जब कोई और रेडियोएक्टिव उसके पास आ जाए देन। मेरे डॉक्टर ने भी सेम बोला है। और जो मुझे अटैक्स आते हैं उसके लिए भी सेम रीजन दिया। इट मींस मेरे एलिमेंट्स ऋषु को अफेक्ट कर रहे हैं। पर बेटा तुमको अभी कुछ नहीं हो रहा है। बिकॉज मैंने कुछ ही दिनों पहले ट्रीटमेंट कर। तो तुमने कराए तो मतलब ऋषभ भी ये कर सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं, ही कैन बी ओके। हाँ, ऋषभ ठीक हो सकता है। मैं अभी अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। ऋषभ तुमने सुना? तुम ठीक हो सकती, यू कैन अगेन टॉक, तुम बोल सकते। हेलो डॉक्टर, बस इसे आराम करने दीजिए। अभी ऋषभ को अब ठीक है ना? हाँ, थोड़ी वीकनेस है पर आई थिंक ही इज डूइंग फाइन। ऋषभ तो इतना फिट हो गया कि डांस कर सकता है।
ओ वो डांस नहीं करना चाहता, वो क्रिकेट खेलना चाहता, he wants to play cricket. वैसे ऋषभ तुझे ना मेरी अब जरूरत नहीं होगी. ऋषभ रिलैक्स, मेरा कहने का ये मतलब है कि मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज डॉक्टर ने कहा आफ्टर दिस ट्रीटमेंट विद इन वन मंथ तू बोलने लगेगा. यू नो वो डॉक्टर है ना, ही हैज फाउंड योर ट्रीटमेंट का कॉज, कि इतने कोई अटैक्स क्यों आते हैं, ही हैज फाउंड ऑल द सॉल्यूशन. सब तो ठीक हो जाएगा, यू विल हैव योर वॉइस, जस्ट अ मैटर ऑफ वन मंथ एंड यू विल बी फाइन, यू विल बी परफेक्ट. ओके ओके, तो अभी से आउट ऑफ कंट्रोल जा गए. रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन. देखना नंदू, एक बार ऋषभ बोलना शुरू करेगा ना तो कभी नहीं रुकेगा. ऋषभ कह रहा है कि उसे क्रिकेट का कमेंटेटर बनना है. अयो, तो हम अपने ऋषु को टीवी पे सुनेगा. पार्टी में सबको इनवाइट तो कर दिया है, मैं सच अ डड यार. व्हाट विल यू वेयर, व्हाट विल यू डू, यू सो स्टूपिड आर, मैन सच एन इडियट. एक चीज है, इसमें तो बहुत हॉट लगेगा. आई सर ग्लासेस, चेक द मैच. देयर यू गो. ये टीपी लोशन ना सच में कमाल का है, पता है? हमारे बाल इतने सही हो गए, इतनी शाइनी, मतलब पहले ऐसे कभी भी नहीं थी. डैंड्रफ बिल्कुल गायब. आर यू हैप्पी? हाँ, हमने कहा ना हमारे बाल हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे, अब बिल्कुल ठीक हो गए, हम बहुत खुश हैं. उसके बारे में बात नहीं कर रही थी, वो कंपटीशन हार गए ना फाइव फाइव से, तो तुम अपसेट नहीं हो ना, तुम ठीक हो? नंदू, हम फाइव फाइव से हारे हैं, तुम्हें पता है ना कितने बड़े फैन थे हम फाइव फाइव के जब हम नए नए आए थे. हम तो नाम भी सोच लिए थे सुपर सिक्स सेक्सी सिक्स, फाइव फाइव के सामने डस्टबिन के अंदर डाल देता. तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो लोग शहद है ना तो हम गुड़, शहद और गुड़ का कोई कंपटीशन नहीं होता. हाँ ना भैया, लेकिन फिर भी टैलेंट हंट के लिए तुम इतनी एक्साइटेड थी एंड हम हार गए फैफ के साथ, लाइक तुम इतनी अपसेट होगी ना, लाइक आई नो आई नो. हम बिल्कुल भी अपसेट नहीं, हम बहुत खुश हैं. हमने तो माता रानी से प्रे किया था कि फैफ जीत जाए, फैफ नहीं टूटना चाहिए, बाकी जो होना है हो जाए. और ये कॉम्पिटिशन हम सिर्फ इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि हम उस रेडियो मैनेजर को दिखाना चाहते थे कि भैया हम किसी से कम नहीं है, हम भी कुछ कर सकते लाइफ में. आप तुम इसकी शक्ल देखी, खड़ूस लग रहा था ना, इतना खड़ूस लग रहा था, हर्षद को हराया. हर्षद ने फाइव फाइव का सॉन्ग चोरी किया था, हमने उसे हराया, मतलब हमने फाइव फाइव के सॉन्ग को हराया, मतलब हमने फाइव फाइव को हराया. इतनी भी खराब नहीं हुई है, और तुम्हें जल्दी कहाँ जाने की? मानिक से मिलने जाना है. एक मिनट, डिनर के लिए भी टाइम है, तुम मानिक से अभी मिलके क्या करोगी? वो कबीर ने हमें बताया था कि वो अडॉप्शन जो एजेंसी है ना वहाँ से कुछ पेरेंट्स आने वाले हैं आज, उनका इंटरव्यू लेना है हमें. सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ ना, अच्छा है ना भैया, फिर क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है, पर पता है हमें समझ नहीं आ रहा, हम थोड़े से नर्वस है उसको लेकर, अगर तब होगी तो कितना अच्छा नहीं होगा. अरे मुझे ना मानिक से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है. लो हॉबिट्स चॉकलेट खाओ. आई थिंक यू नो यू शुड रेस्ट योर माइंड एंड यू शुड जस्ट ईट चॉकलेट. तुम्हें पता है हमें चॉकलेट बहुत पसंद है, हमारे बेबी को भी, जैसे हम खाते ना हमें किक करता है, बोलते हैं बहुत खुश है. अगर तुम इसका एक और फैमिली पैक को दोगी तो प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम तुम्हारा और मानिक का ये जो सीक्रेट सेलिब्रेशन वाला सीक्रेट है ना,
सीक्रेट रखेंगे, मुंह बंद रखेंगे, ऐसा कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं। ये चमत्कार हो गया है, हमारे बाल पता है इतने ज्यादा सॉफ्ट बाल कभी भी नहीं थे, खुजली भी नहीं हो रही है, डैंड्रफ भी बिल्कुल गायब हो गया है। और नव्या तुमने डरा दिया इतनी सी बात के लिए। कभी इतनी सी बात जो पता अपने बालों को लेकर हम कितना परेशान थे, वो तो नंदिनी को थैंक यू बोलना चाहिए यार, उसने ये डी फ्री लोशन दिया और हमारे बाल एकदम तुम सही हो गए एक बार में। गुड फॉर एक एक करके तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स। चलो झट से तैयार हो जाओ, अडॉप्शन वालों ने 3 पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू लाइन अप किया है एंड वी कांट बी लेट। सो ऐसे ना दिमाग में आया कि अभी इंटरव्यू के लिए जो लोग घर पर आएंगे वो तो बड़े होंगे ना हमसे, सवाल क्या पूछेंगे उनसे। यू आर राइट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वैसे भी हमें एक्सपीरियंस तो है नहीं पेरेंट्स बनने का, हम सवाल क्या पूछेंगे। मतलब बचपन से माँ ने सब ध्यान रखा, जो भी प्रॉब्लम हुई लाइफ में अम्मा सॉल्व कर देती थी, मैंने बच्चे बनने का एक्सपीरियंस है, फिर ये माँ बाप इंटरव्यू कैसे लेंगे। फैंटास्टिक, मिल गया आइडिया। क्या आइडिया मिल गया? बचपन से तुम्हें तुम्हारी माँ ने, मेरी मुझे मेरी मम्मी ने पाल के बड़ा किया है ना, तो हमें पेरेंट्स बनने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमें बच्चे बनने का एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि हमें अपने पेरेंट्स से क्या चाहिए या क्या चाहिए होगा इन फ्यूचर, हम वो सवाल पूछेंगे, फिगर आउट कर लेंगे कि वो कितने अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं कि नहीं। तुम तो बड़े शाने हो गए हमारे साथ आ जाके। हाँ बिल्कुल, और तुम झटपट तैयार नहीं हुई ना तो सारी स्मार्ट से यही रह जाएगी। गो गेट रेडी। वेल अगर लड़की हुई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का हो या लड़की हो बस हेल्दी बेबी होनी चाहिए, दैट्स इट। अच्छा एक और सवाल, व्हाट अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस, हम जानना चाहते हैं कि हमारी बेबी का फ्यूचर कितना सिक्योर है। हाँ ऑफ कोर्स, हमने एक्चुअली पहले डिसाइड किया था कि अगर हमने बच्चे को अडॉप्ट किया तो कुछ डिपॉजिट्स कर देंगे उसके नाम और कुछ स्कीम्स लेंगे। अगर गे हुआ तो